Good morning to all. I am Namni Jangir from Adarsh Bal Nikatan Senior Secondary School and I teach English here. Today we are going to discuss about the first chapter of our book of class 8. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. The first chapter apnaiye, and what is it about? Iske bare mein hai. It is about a war going between Germany and British. Okay? It is about a war that had been going between the forces of German and British. Between the ongoing war, we will see a scenario in which someone get a present, or we can say someone get a good time, that is called the best Christmas present in the world. Okay, now start. The author is saying, ab start karte apna chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport. कौन बोल रहा है बात? ये बात बोल रहा है author. क्या बोल रहा है? I spotted it in a junk shop in a Bridport. In Bridport, कोई जगह है Bridport. वहाँ पे क्या किया? Author ने कोई चीज़ देखी. Junk shop का मतलब क्या होता है? Junk shop का मतलब होता है कबाड़ की दुकान. ठीक है? क्या देखा उसने? A roll top desk. उसने देखा एक रोल टॉप डेस्क. रोल यानी घुमावदार, टॉप यानी ऊपर का हिस्सा, और डेस्क थी कैसी डेस्क थी? एक रोल टॉप डेस्क थी जो ऑथर ने देखी एक जंक शॉप के अंदर Bridport नामक एक जगह पर. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. वहाँ एक आदमी था, उसने कहा कि यह किसकी है? यह मिड 19th सेंचुरी की है. ठीक है, ये इतनी पुरानी है. एंड ऑक, और किसकी बनी है? ऑक की बनी है. ओ ए के ऑक क्या है? ऑक इज ए ट्री. ये एक ट्री है जो किसके काम में आता है? ऑक काम में आता है फर्नीचर वगैरह बनाने काम में आता है. ठीक है, जो से एक्सपेंसिव जो अपनी अलमीरा होती है, टेबल्स होती है, उनको बनाने में काम आता है. ये ऑक ट्री की बनी है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे भी ऐसी चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो क्या थी? वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. फार टू एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? फार का मतलब क्या होता है? दूर, और टू एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा. लेकिन महंगा यहाँ पे फार क्यों आया है? फार आया है ये बताने के लिए कि जो ऑथर है उसके पास उसकी औकात से बात थी है. कहने का मतलब यही है. ठीक है, इट इज़ फार टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगी थी. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और जो ये पड़ी है यहाँ पर ये कैसी है? ये बहुत ही बुरी हालत में है. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो उसका रोल टॉप है वो कैसा है? वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है. सेवरल यानी बहुत सारा, पीसेस मतलब टुकड़े. वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसका जो एक पैर है, पैर का मतलब यहाँ पे असली पैर नहीं, उसका जो एक साइड का जो उसका क्या बोलते हैं उसको जो लेग है वो क्या है? इट इज़ क्लम्सली मेंडेड, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ क्या है? एक तरफ उस पूरी के टेबल के ऊपर क्या है? स्क्रॉच मार्क है. स्क्रॉच मार्क मतलब खरोंच. ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत ही कम पैसे में बिकने वाली थी. गोइंग फॉर किस लिए आया यहाँ पर? गोइंग फॉर यहाँ पर आया है बिकने के लिए, फॉर सेल के लिए. ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ. रिस्टोर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले जैसी थी उसे वापस वैसा ही बनाना, इसे बोलते हैं अपन रिस्टोर. इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी. हैड टू हैव इट मतलब क्या होता है? मुझे ये चाहिए ही थी. आई पेड द मैन, मैंने जो मैन, कौन सा मैन है? दुकानदार जो है उसके लिए आया मैं. ठीक है, आई पेड द मैन, मैंने जो दुकानदार है उसे पैसे दिए, उसे पेमेंट करा. एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, और मुझे कहाँ ले आया? मैं उसे मेरे काम करने की जगह पे ले आया, जो कहाँ थी? जो जगह थी मेरा जो घर है उसका जो गैराज है उसमें बनी हुई थी. मतलब कहना मतलब क्या, वो अपने गैराज में काम करता था.
आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब इसे सही करना, इसे सुधारना शुरू किया। कब शुरू किया? ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो रोल टॉप है उसे पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, उसके जो ड्रॉवर्स है वो मैंने क्या किए, खींच कर बाहर निकाल दिए, हटा दिए। पुल आउट का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब होता है खींचना, आउट यानी बाहर। मैंने उसे ड्रॉवर्स को खींच कर बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो विनीर थी, विनीर यानी प्लास्टिक जो कवर होता है, पतला प्लास्टिक का कवर होता है, उसे विनीर बोलते हैं। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो विनीर था उसे भी मैंने चारों तरफ से हटा दिया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ इसके साथ, कि जो पानी है, पानी की वजह से ये खराब हो गई है टेबल। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क, उसे क्या लगा कि जो आग और पानी है उन दोनों ने क्या किया है, उन दोनों ने ही इस टेबल को खराब किया है। टॉल ऑन का मतलब क्या होता है? डैमेज देना, ठीक है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉवर था वो क्या था, वो वहाँ पर अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, जिसकी वजह से जो लास्ट ड्रॉवर है वो जेंटली आराम से बाहर निकल सके। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और लास्ट में क्या हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे गुस्सा आने लगा, लास्ट में क्या किया मैंने, उसको ब्रूट फोर्स लगाया। ब्रूट का मतलब क्या होता है? ब्रूट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, और फोर्स यानी ताकत लगा के उसे मैंने बिना सोचे समझे अपनी फोर्स लगाई और उसे बाहर निकालने की कोशिश करी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर ब्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। अब क्या बोलता है? अब वो बोलता है मैंने क्या किया, मैंने इसकी साइड पे क्या किया, हल्के से मैंने हाथ से इसके मारा, और मारते ही क्या हुआ, जो ड्रॉवर है वो बाहर आ गया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और ड्रॉवर वो खुल गया, टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया कि इसके नीचे क्या है, एक जगह है। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है ऐसी जगह जो हमें दिखे नहीं, ठीक है। अंडरनीथ मतलब इसके नीचे, इस सीक्रेट ड्रॉवर, एक छुपा हुआ ड्रॉवर, उसके नीचे क्या था, एक शैलो स्पेस था, जो क्या था, एक जो एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देर वॉज समथिंग इन देयर, और ज़रूर उसमें कुछ था। आई रीच इन, मैंने हाथ अंदर दिया, एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने क्या किया, रीच इन का मतलब क्या होता है, मैंने वहाँ पे खुद नहीं गया, वो कह रहे हैं मतलब ये कि मैंने उसमें हाथ दिया, और जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो मेरे हाथ में क्या आया, मेरे हाथ में आया एक छोटा सा ब्लैक टिन का डब्बा। टिन क्या है? टिन एक मेटल है, ठीक है। शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, क्या था उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी, और उस सेलो टेप पे क्या लगा हुआ था, एक पेपर लगा हुआ था, ठीक है। मतलब क्या क्या बॉक्स था, बॉक्स में पेपर लगा हुआ था, और फिर पेपर के ऊपर क्या सेलो टेप करी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर शेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। शेकी मतलब क्या होता है, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे देख कर ये लगे कि लिखने वाले का हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते अपन वाइब्रेशन वाला, दूसते हुए हाथों से उसने कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, उस पर क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जो कि प्राप्त हुआ कब, जनवरी 25 को, 1915 को। टू बी बुरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, और इसे क्या किया जाए, इसे मेरे साथ ही गाड़ दिया जाए जब भी मेरा टाइम आए, ठीक है। या फिर हो ऐसे मतलब इसमें बोला मतलब क्या है, जब भी मेरी मतलब जब भी मैं मरूं, राइटर इसमें जो भी राइटर था उस लेटर का, उसने बोला था जब भी मैं मरूं तब इसको मेरे साथ भेज दिया जाए या दफना दिया जाए, जो भी रिचुअल इसके फ्यूनरल टाइप है वो उसका मेरे साथ ही
करा जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। अब क्या बोल रहा है वो राइटर, क्या बोल रहा है ऑथर, क्या बोल रहा है इस चैप्टर का? वो बोल रहा है कि मुझे पता था। क्या पता था? कि मुझे पता था कि जब मैं ये ड्रॉवर खोल रहा हूँ ये क्या है, ये सब गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन जो क्यूरियोसिटी है, क्या होता है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जो मेरी जानने की इच्छा है वो क्या थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। इट यूजली डज, और ऐसा हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज ए एनवेलप, एक लिफाफा था, द एड्रेस रीड, और उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। ये एड्रेस था, उस पर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड, और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये पेंसिल में लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर तारीख लगी हुई थी December 26, 1940। ये उसके ऊपर तारीख लगी हुई थी। और देखो लेटर में क्या लिखा हुआ है, देखो डियरेस्ट कॉनी, उसमें लिखा हुआ था डियरेस्ट कॉनी, सबसे प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, बहुत ही खुशी के साथ, आउट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन। ठीक है, उसका राइटर है लेटर का, जो भी राइटिंग राइटर है वो लिखता है कि मैं तुम्हें बहुत ही खुशी के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। वंडरफुल यानी बहुत अच्छा, हैपन यानी घटित होना, बहुत ही कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एडवांस, और मुझे इसके बारे में तुम्हें एक बार भी हो सके बता दूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, क्या बोल रहा है वो लेटर का राइटर, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम सब लोग क्या थे, हम सब लोग जो ट्रेंचेस, क्या होती है ट्रेंचेस, मतलब होता है जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जगह होती है खड़े होने के लिए, ट्रेंचेस बोलते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि हम सब लोग क्या करते, हम सब लोग अपनी पोजिशन लिए हुए थे कहाँ पर, ट्रेंचेस के अंदर। ट्रेंचेस क्या होती है, जैसे बैटलफील्ड होता है, बैटलफील्ड होता है ना, जंग का मैदान जो होता है, तो उसमें जो सैनिकों के लिए जगह बनी होती है, कहीं पे खड्डे बने होते हैं कि सैनिक उसमें बैठ सके। ठीक है, कहीं पे कट्टे लगे होते हैं, है ना, उसे बोलते हैं अपन ट्रेंचेस। और स्टैंडिंग टू इन क्या होता है, स्टैंडिंग टू मतलब होता है पोजिशन लेना, जब सोल्जर कहीं पर पोजिशन लेता है तो उसे अपन बोलते हैं स्टैंडिंग टू इन। ठीक है, तो सोल्जर मतलब वो सोल्जर था, इसका मतलब राइटर कौन था, सोल्जर था, लेटर का राइटर कौन था, सोल्जर था। बताता है कि हम लोग कल सुबह क्या कर रहे थे, हम लोग सब कल सुबह जो ट्रेंचेज है वहाँ पर अपनी पोजीशन लिए हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और ये क्या थी, ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्या बोला उसने, बोला कि जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी वो कैसी थी, बहुत ही शानदार थी, जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग होता है। लेकिन साथ साथ क्या था, ठीक है, क्या बोला उसने, जो क्रिसमस की मॉर्निंग इतनी शांत, वो जो दिन था वो इतना शांत था, इतना वंडरफुल दिन था कि जैसे मानो क्रिसमस हो, और लेकिन साथ में क्या था, वो इतना फ्रॉस्टी और ठंडा था। फ्रॉस्टी क्या होता है, फ्रॉस्टी का मतलब होता है कोई चीज़ जो जमा देती है, मतलब जमा देने वाली ठंड को क्या बोलते हैं अपन, ऐसी ठंड जो जमा देती है उसे बोलते हैं अपन फ्रॉस्टी। ठीक है, लेकिन ये इतनी ठंडी और फ्रॉस्टी थी कि जैसे क्या लगे कि ये मॉर्निंग की इवनिंग हो, सॉरी क्रिसमस की इवनिंग हो। क्रिसमस में कब आता है भाई, क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को आता है, और उस टाइम पे क्या होता है, 25 दिसंबर को जो अपना नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें क्या होती है, ठंड होती है। इसी रिफरेंस को लेकर लेटर का राइटर है उसने ये कहा है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। अब क्या बोल रहा है वो राइटर, बोल रहा है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हमने क्या कर दिया, हम शुरू हो गए हैं। अब क्या शुरू हो गए वो अपन पढ़ेंगे आगे। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई क्या है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, इज दैट फ्रिट्स बिगन इट, जो फ्रिट्स है वो शुरू हो गई है। फ्रिट्स क्या है, फ्रिट्स क्या है, फ्रिट्स पुराने जमाने में जो जर्मन जो सैनिक थे उनको फ्रिट्स कहा जाता था, और इसमें बिगन होने का मतलब क्या है, वॉर स्टार्ट हो गई थी।
फर्स्ट सर्वेंट सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। फर्स्ट, सबसे पहले किसी ने क्या देखा, किसी ने देखा कि वो तो जो ट्रेंचेज है जहाँ पर सैनिक खड़े हुए थे, पोजीशन लिए हुए थे, वहाँ से किसी ने देखा कि सफ़ेद जो फ्लैग है वो लहरा रहा था। और सफ़ेद फ्लैग क्या होता है, व्हाइट फ्लैग इज सिंबल ऑफ मेकिंग पीस। सफ़ेद फ्लैग का मतलब क्या होता है कि हम शांति चाहते हैं। कहाँ से आ रहा था सफ़ेद फ्लैग, ये आ रहा था सामने वाली फ्रेंचेस से, जो एक तरफ वो खुद थे और सामने क्या थे, जो फ्रिट्स थे। फ्रिट्स मतलब जर्मन सैनिक जो थे, जर्मन सोल्जर जो थे, उनके लिए जो वर्ड काम में आया है वो काम में आया है फ्रिट्स। ठीक है, जो फ्रिट्स थे अपोजिशन साइड के, तो जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, वो लोग वाइट फ्लैग लहरा रहे थे। क्यों लहरा रहे थे, मे बी दे वॉन्टेड टू पीस और मे बी इट्स देयर वन ऑफ देयर ट्रिक्स। Then they were calling out to us, और उसके बाद वो हमें पुकार रहे थे। Calling out to us का मतलब क्या होता है, Calling out का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी के लिए बुलाना। ठीक है, नाम देकर बुलाना, purposely किसी को बुलाना, उसे बोलते अपन call out। Calling out to us from across no man's land, कहाँ से पुकार रहे थे, ऐसी जगह से पुकार रहे थे जो किसी की नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्या बोला उसने, किसने बोला ये, फ्रिट्ज ने बोला, सामने जो फ्रिट्ज था उसने बोला था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड, व्हेन वी हैड टू गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक सम सेम टू योर फ्रिट्ज। और कभी जब हमें ये सरप्राइज, हमें हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए सरप्राइज था, हमारे लिए ये सरप्राइज था, तभी हम में से किसी ने क्या कहा, तभी हम में से किसी ने कहा हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू फ्रिट्ज। फ्रिट्ज किसके लिए आया, फ्रिट्ज बताया था मैंने, जर्मन सोल्जर के लिए आया, ऐसे मान सकते हैं उनको चिढ़ाने वाला नाम था जर्मन सोल्जर को। ठीक है, सेम टू यू फ्रिट्ज, तुम्हें भी ऐसा ही हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि बस इतना सा ही है। इसमें जो वर्ड है वुड बी दैट का मतलब देखो, आई थॉट दैट वुड बी दैट मतलब जो है वो यही है, जो होना था वो हो गया। वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा ही करा। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। और तभी उनमें से खड़ा हुआ जिसने एक ग्रे ग्रेट कोट पहन रखा था, क्या होता ग्रेट कोट, लंबा कोट उसने पहन रखा था। ठीक है, एंड वेविंग ए फ्लाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग को वो लहरा रहा था, वेव कर रहा था। डोंट शूट लैड्स, बच्चों शूट मत करो। अब लैड्स किसके लिए आता है, लैड्स आता है अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए आता है, या फिर अपन बोल सकते हैं अपने जो जूनियर होते हैं उनके लिए आता है। आर्मी के अंदर जो बड़े ऑफिशियल्स हैं पुराने ज़माने में, वो अपने छोटे जो ऑफिशियल्स हैं रैंक के अंदर, उनको वो लैड्स बोलते थे। अपन बोल सकते हैं जो नौ शिक्षा होता है उसे भी लैड कहा जाता है, LAD, लैड यानी बच्चा। डोंट शूट लैड्स, शूट मत करो, गोलियां मत चलाओ। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वाजंट। और तभी क्या किया, देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज, और फिर क्या हुआ, पहले तो वो आया फ्रिट्ज ग्रेट कोट वाला, फिर दूसरा फ्रिट्ज आया, उसने क्या कहा, वो आया ऑन द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, पैरापेट का मतलब होता है एक समतल जगह होती है जो थोड़ी सी ऊंची उठी होती है, उसको बोलते हैं अपन पैरापेट। पैरापेट पे आया एंड अनदर, और फिर इसके बाद दूसरा आया और कहता क्या है, कीप योर हैंड्स डाउन, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखो। आई टोल्ड मैन, मैंने लोगों से कहा था, इट्स ए ट्रिक, यह एक ट्रिक है, बट इट वाजंट, लेकिन यह एक ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन क्या कर रहा था, एक जर्मन अपने सिर के ऊपर क्या कर रहा था, एक बोतल, एक उसके पास बॉटल थी और उसको खिला रहा था ऐसे बॉटल को। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, क्या बोला उसने, उसने बोला यह क्रिसमस है टॉमी, वी हैव स्नैप्स,
वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। अब क्या बोला उसमें से, उसने बोला ये टॉम ये क्रिसमस है, हमारे पास स्नैचेज है, क्या होता है स्नैप्स, खाने की चीज़ें, एंड सॉसेज, सॉसेज क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की डिश होती है जो क्या हो सकती है उसको अपन जो कि बहुत दिनों बाद भी आराम से खाई जा सकती है, ठीक है। वी हैव सॉसेज, वी हैव स्नैप्स, वी विल मीट, हम मिलेंगे, यस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, बाय द टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स, और थोड़ी देर बाद कि वहाँ पे बहुत सारे जो फ्रिट्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, एंड वॉकिंग टुवर्ड देम, और हमारी तरफ आने लगे, अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। कहाँ से आ रहे थे वो, ऐसी जगह से आ रहे थे जो ना तो ब्रिटिश की थी और ना जर्मन की थी, वो वहाँ से आ रहे थे, इसमें लिखा ना नो मैंस लैंड, मतलब ऐसी जगह जो किसी से बिलोंग नहीं करती है, वो वहाँ से आ रहे थे, एंड नो राइफल बिटवीन दैम, बिटवीन दैम मतलब क्या होता है, उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी। राइफल पता सबको क्या होता है, आई होप एवरी वन नोट वॉट इज वॉट ए राइफल इज, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब इसमें क्या है, एक नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, वो कौन था, उसमें कहा गया है लिटिल प्राइवेट मॉरिस है वो क्या था, वो सबसे आगे आ रहा था। कम ऑन बॉयज, उसने बोला कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनको रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें वर्ड आया नो स्टॉपिंग देम, मतलब उनको रोका नहीं जा सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैंने मुझे उन लोगों को वहीं पर और उसी समय रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे लगता है, बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई यह है दैट इट नेवर अकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे उन्हें वहीं पर और तभी रोक देना चाहिए था। All along their line and ours, I could see men walking towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब क्या बोला उसने, All along their lines and ours, उनकी लाइन से और हमारी लाइन से, I could see men walking slowly towards one another. हम मैं देख सकता था कि हमारी साइड से उनकी साइड से जो लोग हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स कौन है यहाँ पर, और खाकी कोट्स कौन है, खाकी कोट्स ब्रिटिश है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलने का, जो ग्रे कोट है जो जर्मन से वो आ रहे थे, और खाकी कोट्स मतलब जो ब्रिटिश है वो आ रहे थे, और वो एक दूसरे से मिल रहे थे, काम मिल रहे थे, दोनों की जो लाइन है, दोनों की जो बॉर्डर की लाइन है, उनके बीच में दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। Why? Because it was Christmas. And I was one of them, और मैं भी उनमें से एक था। I was part of this, मैं इसका हिस्सा था। In the middle of the war, जंग के बीच में, we were making peace, हम लोग शांति बना रहे थे। You cannot imagine, तुम imagine भी नहीं कर सकती, dearest Connie, सबसे प्यारी कौनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि ड्रीजस कौनी, मैं उस चीज़ को तुम्हें, तुम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती जब एक जर्मन ऑफिसर मेरे पास आ रहा था और उसने मुझसे हाथ मिलाया और क्या कहा, और कहा हैंस वुल्फ। अब यहाँ पे हैंस वुल्फ कोई मतलब नहीं है, ये एक अप्रिसिएशन देने का तरीका होता है। हैंस वुल्फ का मतलब क्या होता है, वुल्फ यानी भेड़िया, हैंस का मतलब क्या होता है, ऐसा भेड़िया जो सबसे अलग रहता है, या फिर बोलते हैं लॉन वुल्फ, लेकिन यहाँ पे लॉन वुल्फ प्रॉपर नहीं होगा, हैंस वुल्फ का मतलब क्या होता है, ऐसा जो किसी पर विश्वास नहीं करता है। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उसने मेरा हाथ अच्छे से पकड़ा और उसे होल्ड कर लिया। I am from Düsseldorf,
मैं कहाँ से हूँ? उस ऑफिसर ने बोला, उस जर्मन ऑफिसर ने बोला, आई एम फ्रॉम डैसलडॉर्फ, मैं डैसलडॉर्फ से हूँ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। और मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या होता है? सेलो एक बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वोलिन होता है अपना, वोलिन, वोलिन का जो बड़ा साइज़ होता है उसको बोलते हैं सेलो। ठीक है, किसने बोला ये बात? बोली उस ऑफिसर ने, जो जर्मन ऑफिसर है उसने बात बोली कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा क्या होती है? ऑर्केस्ट्रा होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, एक ऐसे लोगों का ऐसा ग्रुप जो सिंगिंग और डांसिंग करता है, उसे बोलते हैं अपन ऑर्केस्ट्रा। उसने बोला आई एम फ्रॉम डैसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं डैसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकपर्सन, कैप्टन जिम मैकपर्सन उसने ऐसा कहा कि हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम, कैप्टन जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैंने जवाब दिया कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उसने कहा कि ऑथर क्या कहता है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से हूँ? डॉरसेट से हूँ, जो कि कहाँ है? इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है, इस जगह एक डॉरसेट। डॉरसेट, ही स्माइल्ड, उसने ऐसा कहा डॉरसेट और स्माइल किया, मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं ये जगह जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेड माई रम रैशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, हमने क्या किया, मेरा जो ड्रिंक थी और उसका सॉसेज था, मतलब क्या है, उन दोनों ने अपना जो खाना है वो दूसरे से शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें करी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो ऑलमोस्ट सही इंग्लिश में बात कर रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन ऐसी ऐसा सामने आया कि उसने कभी भी डॉरसेट में कदम भी नहीं रखा था। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? रियलिटी सामने आना, इसे बोलते हैं अपन टर्न आउट। लेकिन ऐसी बात सामने आई कि उसने कभी डॉरसेट में पैर भी नहीं रखा था, खाली झूठ बोल रहा था वो। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड में भी नहीं गया कभी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो भी उसने सीखा था इंग्लैंड के बारे में वो सब कुछ उसने स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो बुक्स है इंग्लिश में, जो बुक्स है उनसे उसने सब कुछ इंग्लैंड के बारे में सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी, उसकी पसंदीदा बुक थी, वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सो आउट देर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सेग्रेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट। अब क्या बोला उसने? सो आउट इन देयर ऑन नो मैंस लैंड, कि ऐसी ज़मीन जो किसी के नहीं थी, हम वहाँ पर बातें कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे? हम बातें कर रहे थे बादशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में एंड डॉरसेट के बारे में। ये सब क्या है? ये सब चीज़ों के नाम है, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, ये सब चीज़ों के नाम है। ये जैसे ओक यानी क्या होता है? पेड़ होता है, तो गैब्रियल ओक नाम का एक पेड़ है, उसकी बातें कर रहे थे वो, ठीक है। सर्जेंट ट्रॉय, ये भी क्या है? कोई नेम होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे वो। डॉरसेट क्या है? डॉरसेट वो जगह है जिससे ऑथर बिलोंग करता है। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, ठीक है, उसकी पत्नी थी और एक बच्चा था, सन यानी बेटा था, बोर्न जस्ट 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे ही मैंने मेरे बारे में सोचा, एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, तो मैं सिर्फ ये देख पा रहा था, जो खाकी ड्रेस वाले सोल्जर है और जो ग्रे ड्रेस वाले सोल्जर, वो क्या कर रहे थे? वो लोग
बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई, कॉनी, हैंस वुल्फ और मैं, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट टू योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ कौन है? हैंस वुल्फ वो जो जर्मन जो ऑफिसर था, उसका नाम है हैंस वुल्फ। ठीक है, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। जो तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था उसमें जो केक बचा था वो केक मैं और जो हैंस वुल्फ है जर्मन जो ऑफिसर है, हम लोग वो शेयर कर रहे थे, मतलब आपस में बांट कर खा रहे थे। ही थॉट द मर्सपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्रीड। उसने सोचा कि जो एक मर्सपियन जो केक है, जो मर्सपियन ने क्या है, एक रेसिपी का नाम है, उसने सोचा कि जो सबसे अच्छी चीज़ उसने टेस्ट करी है वो क्या है, वो मर्सपियन है। एंड आई एग्रीड, तो मुझे भी यही लगा। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ों के बारे में एग्री करते जा रहे थे, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ वो उस चीज़ के लिए एग्री कर रहा है, या फिर वो कुछ बोल रहा है मैं हर बात उसकी मान रहा हूँ। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन फिर भी वो क्या था, मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, फनी, कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई जैसा कि उस जंग के मैदान में हो रही थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, लेकिन तभी कोई एक आदमी जिसे मैं नहीं जानता वो कौन था, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोल्स, एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज। अब क्या था, अब उनमें से कोई एक आदमी आया, वो फुटबॉल लेकर आ गया, और फुटबॉल लेकर आते ही क्या हुआ, जो ग्रेट कॉर्ड्स है वो क्या कर दिए गए, वो बिठा दिए गए, मतलब पाइल्स पे, जो पाइल्स का मतलब क्या होता है, पाइल्स का मतलब यहाँ पर है छोटे छोटे पेड़ पौधे जो ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, उनके ऊपर बिछा दिए। क्यों बिछा दिए गए? फुटबॉल खेलने के लिए, एक गोल बनाने के लिए, ठीक है, गोल पोस्ट बनाने के लिए वहाँ बिछा दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली चीज़ जो हम लोगों ने जानी वो क्या थी, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड। और नेक्स्ट चीज़ जो क्या थी, जो टॉमी था, जो हमारा सोल्जर था, वो क्या था, जो फ्रिट्स है वो उनके साथ खेल रहा था, उनके अगेंस्ट खेल रहा था, एक तरफ फ्रिट्स थे और एक तरफ टॉमी था। इन नो मैन्स लैंड, ऐसी ज़मीन जो किसी के हिस्से की नहीं थी। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैंने ये सब देखा और हम लोग उन लोगों को चीयर करने के लगे, या फिर उन लोगों की मतलब तालियां बजाने लगे, उन लोगों के साथ हम भी एंजॉय करने लगे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट, हमारे तालियां बजाते हुए और पैरों को जोर जोर से ज़मीन पे पटकते हुए। टू कीप आउट कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जितने भी हमारे बीच जो चीज़ है, तो यहाँ पे कोल्ड का मतलब ठंड नहीं है, यहाँ पे कोल्ड का मतलब क्या है, जो हमारे बीच जो नोक झोंक थी उसको कम करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस, वहाँ पर एक ऐसा समय आया जब मैंने नोटिस किया, आवर ब्रीथ स्मगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी जो सांसें हैं वो क्या कर रही थी, स्मगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो हमारे बीच जो हवा है वो उसमें फैल गई थी। ही सॉ इट टू, उसने भी ऐसा देखा। ही स्माइल्ड, किसकी बात हो रही है, उसकी जर्मन ऑफिसर की बात हो रही है। ही सॉ इट, उसने भी ऐसा देखा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सैड, उसने ऐसा कहा कि जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व द वॉर, उसने बोला मुझे लगता है यही एक तरीका है जैसे हमें जो वॉर है, जो जंग है, उसे रिजोल्व करना चाहिए। रिजोल्व का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को ख़त्म करना, उसके लिए आता है रिजोल्व, ठीक है, ये एक ऐसा तरीका मुझे लगता है जिससे हम वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, उसे रिजोल्व कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच से, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रंस आर ऑफन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी वाइफ है वो विधवा नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय द सेशन वेरी मच। टुडे वी आर एंडिंग द सेशन हियर, एंड नेक्स्ट
टू और थ्री पैराग्राफ आर रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पैराग्राफ इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए गुड डे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पुट इट इन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन डायरेक्टली सेंड मी व्हाट्सएप एंड द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड यू एज अ PDF इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.